अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक सवाल पूछने के लिए आपसे। जी फरमाइए। मैं अभी तक के जितना देखा है MIM इनकलाब पार्टी, आप कवि अब्बासी साहब स्पोक पर्सन MIM इनकलाब, तो आप और आपके पूरे एडवोकेट, आपकी पूरी टीम, जब से आपकी पार्टी बनी है जी, पब्लिक के लिए तो कम काम कर रहे हैं आप लोग, ब्लैकमेलिंग का काम ज्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है। किसी भी कोई हाई प्रोफाइल पर्सन को पकड़ लेना, उनके ऊपर में टारगेट, गलत है बिल्कुल, एक्सेप्टेड आप जो कर रहे हैं अच्छा काम है हिसाब से, लेकिन आप लोग सेटलमेंट भी करते हैं ऐसा सुनने में आया। एक प्रूफ अगर बता दो, एक प्रूफ बताइएगा। जैसा अभी एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, एलिगेशन तो सब करना बड़ी बात है, तो एलिगेशन लगते हैं आप भी लोगों पे लगाते हैं। वो आप जनरल रेगुलर एलिगेशन आप हजार भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देयर शुड बी अ सिंगल प्रूफ फॉर दैट। बिल्कुल राइट सर, यू आर राइट, बट मैं क्या बोल रहा था, एंड यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड ऑल द रीजनेबल डाउट्स दैट देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट अवर पार्टी। मेरी बात भी तो सुनिए आप। बोलिए। मैं ये बोल रहा था, आप जितने मुद्दे उठाते हैं लोगों के ऊपर में, वफ के प्रॉपर्टी वालों के उठाए, वेरी गुड, वफ की प्रॉपर्टी जिसने कब्जा करे, वेरी गुड, ओल्ड सिटी में काफी प्रॉपर्टी उठाए, आप ब्लैकमेलिंग करके सेटलमेंट कर लेते, खामोश बैठ जाते आप। ऐसा? अच्छा, ये एलिगेशन है तो इसको प्रूफ करिए, अगर आप ये झूठ एलिगेशन लगाएंगे तो आपके ऊपर भी केस डाल देते, ये जहन में बिठा लीजिए, सीधा कार्रवाई करवाऊंगा मैं, समझे ना, आपको जेल को भेज देंगे, नागपुर जेल में आप रहेंगे, आप नागपुर जेल में रहेंगे, याद रखिएगा, आप समझ रहे हैं, अभी सिर्फ कुछ नहीं करा वो काम करेंगे हम यहाँ से बैठ के, अगर एलिगेशन फॉल्स रहा तो आपको वहाँ से हथकड़ा डाल के यहाँ पर मंगा लेंगे हम इंशाल्लाह, ये जहन में बिठा लीजिए। धमकियाँ दे रहे हैं आप लोग, ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाते हैं, समझे ना, आपको देखो आपके आपके मम्मी की मम्मी बाबा की कसम, आपको अपने मम्मी बाबा की कसम, अल्लाह की कसम दे रहा हूँ मैं आपको, ईमानदारी से बोलो, आप तुम्हारे हमारे नो बोल दो ना, आप गुबाज घुमा रहे, आपके अम्मा बाबा की कसम दिया मैंने, आपको मम्मी डैडी की कसम दिया, अल्लाह की कसम दिया मैं आपको, ईमानदारी से बोलता हूँ, मम्मी डैडी की दी दिया, अल्लाह की दी दिया, हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, मतलब आप लोग सेटलमेंट करते हैं, हम एक्सेप्ट, हमारी एक ऐसी पार्टी है जो कौम और मिल्लत का जज्बा रखी, याद रखिए, वारिस कादरी आप हिंदू मुसलमान आप भी कर रहे सब, आप लोग खाली क्या करते, हाई प्रोफाइल हिंदू मुसलमान चालू कर देते, मतलब की बात आपको पॉलिटिक्स में मिल जाता है, आखिरत खराब नहीं कर लेना जी, वारिस कादरी आप जो है सो अल्लाह अल्लाह, जब आप मुसलमान बने हैं तो आप कौम परस्त बनिए, मुसलमान बने नहीं साहब, मुसलमान रहे हैं हम शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह पैदा ही मुसलमान हुए हम लोग, बने कहाँ हैं आप, यू कैनॉट गिव एनी फॉल्स, यू कैनॉट फ्रेम एनी फॉल्स एलिगेशन, आपको मैं इतनी बड़ी कसम दी है ना, आप यस या नो नहीं बोले इसी में आपकी चोरी पकड़ी जा रही है, आप मतलब आप लोगों का सेटलमेंट करते थे, सियासत वालों से कितने पैसे ले, सियासत वालों को कितने का ऑफर कर रहे थे आप, पूरा ईमानदारी से बताना, सियासत वाले मेरे को 10 करोड़ का ऑफर दिए थे, बोले बैगन के बोलते करे उन लोगों भी बोले 1750 आते कते करके आपको भगाए, आप लोग क्या करते पार्टी का एक फायदा उठा रहे, आपकी पार्टी है आपको मीडिया कॉलेज मिल जाता है, तुम्हारे को किस्मत करना ना, बड़े लोगों को पीछे पड़ जाना, ऐसा करना वैसा करना, इल्जामा मैं भी लगा रहा हूँ लोगों पे, मैं भी शब्बीर अली से पूछा इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, उतने करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से, ये सवाल करने के लिए तैयार होता ना कि मैं ब्लैकमेलिंग चालू कर दूँ, मैं भी ब्लैकमेलिंग चालू कर दूँ, मैं भी चोर बन जाता हूँ, फिर आप लोगों के पिट्टू है तुम, जाहिद अली खान पैसे दे के फोन करा रहा तुम्हारे, अरे जाहिद अली खान जैसे 1750 आते मेरे पास में, पहले अवैसी को करता था तो बोलते बीजेपी को करा, पहले अवैसी साहब को करता था तो बोलते थे बीजेपी को करा, पहले ये बात कर ले टेलीफोन पे मेरे से, ये बोलो तुम, अरे साहब आप भी तो करते ना फोन, आप नहीं करते फोन, आप भी तो चालू करे ना, करना चालू करता हूँ पूरी दुनिया से, हमारी किसी से कौन बोल रहे हैं।